भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 चैप्टर 10 श्लोक 4। स्थितिर्वैकुंठ विजय पोषणं तत् अनुग्रह मन्वंतराणि सद्धर्म ऊतय कर्म वासना। स्थितिर्वैकुंठ विजय पोषणं तत् अनुग्रह मन्वंतराणि सद्धर्म ऊतय कर्म वासना। स्थितिर्वैकुंठ विजय पोषणं तद् अनुग्रह मन्वंतराणि सद्धर्म ऊतय कर्म वासना। What translation? Sthiti, Uchit Dasha, Vaikuntha Vijaya, Vaikuntha ke Swami ki Vijay, पोषणम पालन तत् अनुग्रह अहैतुकी कृपा मन्वंतराणि मनो के शासन सद्धर्म पूर्ण धर्म ऊतय कार्य करने की प्रेरणा कर्म वासना सकाम कर्म की आकांक्षा। ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जीवात्मा के लिए उचित तो यही है कि वह भगवान के नियमों का पालन करे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में पूरी तरह से मानसिक शांति प्राप्त करे। सभी मनु तथा उनके नियम जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए है। कार्य करने की प्रेरणा ही सकाम कर्म की आकांक्षा है। तात्पर्य, यह भौतिक संसार सृजित होता है, कुछ काल तक बना रहता है और भगवान की इच्छा से पुनः विनष्ट होता है। सृष्टि के अवयव तथा अपसृष्टा ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान विष्णु द्वारा अपने प्रथम तथा
द्वितीय अवतारों में की जाती है। प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु और दूसरे पुरुष अवतार गर्भोदक्षायी विष्णु हैं, जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तृतीय पुरुष अवतार क्षीरोदक्षायी विष्णु हैं, जो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के परमात्मा स्वरूप स्थित रहते हैं और ब्रह्मा द्वारा रची गई सृष्टि का पालन करते हैं। ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में से शिव भी एक है, जिनका कार्य इस सृष्टि का संहार है। अतः ब्रह्मांड के मूल सृष्टा तो विष्णु है और वे अपनी अहेतु की कृपा से उत्पन्न जीवों के पालक भी हैं। इस प्रकार समस्त बद्ध जीवों को भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनके शुद्ध भक्त बनकर इस कष्टमय तथा संकटमय संसार से शांतिपूर्वक रहना चाहिए। इस संसार को अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए उपयुक्त समझने और इस प्रकार विष्णु की बहिरंग शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण बद्ध जीव को सृष्टि तथा विनाश के प्राकृतिक नियमों से फिर से भोगने के लिए रहना पड़ता है। भगवद्गीता में कहा गया है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से लेकर सबसे निचले लोक पाताल लोक तक सारे लोक नाशवान हैं और बद्ध जीव अपने अच्छे या बुरे कर्मों से या आधुनिक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में विचरण कर सकते हैं, किंतु कहीं पर भी उनकी मृत्यु निश्चित ही है। हाँ, भिन्न भिन्न लोकों में उनकी आयु पृथक पृथक है, किंतु शाश्वत जीवन प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है कि भगवान के धाम को वापस जाना, जहाँ पर भौतिक लोक की भांति पुनर्जन्म नहीं होता। वैकुंठ के स्वामी के साथ अपने संबंधों को विसरा देने के कारण बद्ध जीव इस सीधी सी बात से अनजान रहकर इस प्रकार भौतिक जगत में स्थायी जीवन बिताने की योजना का प्रयास करता है। बहिरंग शक्ति से मोहित होने के कारण वे विभिन्न प्रकार के आर्थिक तथा धार्मिक विकास कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। फिर से पढ़ता हूँ। बहिरंग शक्ति से मोहित होने के कारण वे विभिन्न प्रकार के आर्थिक तथा धार्मिक विकास कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि उनका उद्देश्य भगवान के धाम वापस लौटना है। माया के प्रभाव से यह विस्मृति इतनी प्रबल होती है कि बद्ध जीव भगवान के धाम वापस जाना ही नहीं चाहता। इंद्रिय सुख के कारण बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसता रहता है और मनुष्य जीवन को बिगाड़ लेता है, जिससे ही भगवान के धाम को वापस जाने का अवसर प्राप्त होता है। विभिन्न युगों तक तथा कल्पों तक मनु जो आदेशात्मक शास्त्र बनाए हैं वे सद्धर्म कहलाते हैं। वे मनुष्य के लिए सन्मार्ग दिखाने वाले हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे अपने हित में तथा अंतकाल को सफल बनाने के लिए इन शास्त्रों का उपयोग करें। इसमें लिखा है शास्त्रों का क्या उपयोग है, अंतकाल को सफल बनाने के लिए इन शास्त्रों का उपयोग करें। सृष्टि मिथ्या नहीं है, किंतु यह अस्थाई प्राकट्य है और बद्ध जीव को भगवान के धाम वापस जाने के लिए अवसर प्रदान करती है। भगवान के पास जाने की इच्छा इस दिशा में किए गए सारे कार्य कर्म का सन्मार्ग कहलाते हैं। जो इस ऐसे नियत पथ का अनुसरण करते हैं, भगवान अपने उन भक्तों को अहेतु की कृपावश संरक्षण प्रदान करते हैं, किंतु जो अभक्त है वे सकाम कर्मों के बंधन में फंसकर अपने को कार्यकलापों में के जोखिम में डालते हैं। इस प्रसंग में सद्धर्म शब्द महत्वपूर्ण है। सद्धर्म अर्थात भगवान के धाम वापस जाने के लिए अपना कर्तव्य करना और इस तरह शुद्ध भक्त बनना पवित्र कार्य है। तो सद्धर्म की व्याख्या यहाँ पर की है। सद्धर्म अर्थात भगवान के धाम वापस जाने के लिए अपना कर्तव्य करना और इस तरह से क्या करना है, शुद्ध भक्त बनना, यही पवित्र कार्य है, अन्यथा कोई पवित्र कार्य नहीं कहलाता। अन्य सभी लोग पवित्र होने का ढोंग रचते हैं, किंतु वास्तव में ऐसे होते नहीं। इसलिए भगवान ने भगवद्गीता में उपदेश किया है कि मनुष्य को समस्त तथा कथित धार्मिक कार्यों को त्याग कर भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाना चाहिए, जिसे वे इस भौतिक संसार के भयावह जीवन
के समस्त कष्टों से मुक्त हो सके। सद्धर्म में स्थित रहने के लिए कार्य करना ही जीवन की सही दिशा है। मनुष्य का उद्देश्य भगवान के धाम जाना होना चाहिए, न कि अस्थाई जीवन के लिए उत्तम या निकृष्ट शरीर ग्रहण करके इस संसार के जन्म मरण के आवागमन में फंसे रहना। इसी में मानव जीवन की बुद्धिमत्ता है और मनुष्य को ऐसे ही जीवन के कार्यकलापों की आकांक्षा करनी चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिका। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनी वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनत नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा। सभी भक्तों से नम्र निवेदन है, कृपया करके अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें या उसे साइलेंट मोड पर कर दीजिए। और जिन भक्तों के साथ छोटे बच्चे हैं उन्हें टेंपल हॉल के बाहर लेके जाए। और इस प्रवचन का सीधा प्रसारण फेसबुक इस्कॉन नासिक के पेज के ऊपर और उसी के साथ साथ FM 108 के ऊपर चल रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद्भागवतम क्लास में। हम आज भागवत के दूसरे स्कंद 10वें अध्याय के 4थे श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं, स्थितिर वैकुंठ विजय। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं स्थिति क्या है एक जीवात्मा की, सही स्थिति क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो दर्शाते हैं फिर पोषणम तत् अनुग्रह। जो व्यक्ति सही स्थिति में स्थित है तो उसके लिए वैकुंठ मतलब भगवान क्या क्या करते हैं यहाँ पर लिखा है। मन्वंतरानि सद्धर्म, सद्धर्म मतलब सही दिशा क्या है सही स्थिति को प्राप्त करने के लिए, ये मनु बताते हैं। इसलिए मन्वंतरानि सद्धर्म। उतय कर्म वासना, उतय मतलब काम करने की प्रेरणा ही कर्म वासना को जन्म देती है जिसके कारण व्यक्ति इस भौतिक संसार के चक्र में फंस जाता है। तो यहाँ पर ये चार बहुत सुंदर पंक्तियों में पूरा विवरण एक बद्ध जीवात्मा का यहाँ पर दिया है, वो किस स्थिति में है,
उसे क्या करना चाहिए बाहर निकालने के लिए, उसके जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर उन्होंने बताया है। तो इस अध्याय का शीर्षक भी बहुत सुंदर दिया है प्रभुपाद ने। प्रभुपाद उसे अंग्रेजी में कहते हैं श्रीमद् भागवतम इज आंसर टू ऑल क्वेश्चंस। तो ऑल क्वेश्चन मतलब ये आपको ये नहीं बताएगा कि आपकी ट्रेन कितने घंटे लेट है या फिर आपको पैसा कब मिलेगा, नौकरी कब मिलेगी, ये प्रश्न यहाँ पर नहीं है। हाँ, हालांकि भागवत ये भी बताता है कि पैसे किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन संपत्ति, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, इसे प्राप्त करने के भी कई सारे तरीके, अगर आप दशम स्कंद पढ़ेंगे या कोई भी ऐसी घटना जहाँ पर किसी शुद्ध भक्त का गुणगान किया है, जैसे पृथु महाराज की अगर आप कथा पढ़ेंगे तो उसका पाठ करने के पश्चात श्रुति फल दिया गया है। तो वो श्रुति फल में दिया गया कि आपको पैसा मिल सकता है, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, जो भी चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ एक शुद्ध भक्त के जीवन का चरित्र उसका गुणगान करने की। लेकिन भौतिक जगत में कैसे है कि बद्ध जीवात्मा को धन तो चाहिए लेकिन धन प्राप्त करने के लिए जो मेहनत है वो नहीं करना चाहता। तो उसकी अवस्था जैसे त्रिशंकु था, बीच में लटक गया, तो वैसी अवस्था हो जाती, मेहनत भी नहीं करना चाहता लेकिन फल की प्राप्ति की अपेक्षा है। तो सारे प्रश्न का मतलब क्या है कि सारे आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवतम हमको देगा। जैसे यहाँ पर इसी अध्याय का जो पहला श्लोक है उसमें भागवत के 10 जो मुख्य लक्षण हैं उसका पूरा विवरण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकाश आनंद सरस्वती इनसे वार्तालाप करते हैं और उस वार्तालाप में पहले प्रकाश आनंद सरस्वती जो मायावादी थे तो उन्हें फिर भगवान का साकार रूप प्रस्थापित करने के लिए वो उनको कहते हैं 2 चीज़ों का आपको आश्रय लेना होगा। एक है श्रीमद् भागवत का आश्रय आपको लेना होगा, जिससे आपको ये क्लियर कट अंदाज़ा आ जाएगा कि हाँ भगवान साकार ही है, भगवान निराकार नहीं है। और फिर जब हम ये समझ जाएंगे कि भगवान साकार है तो उस साकार रूप को कैसे प्राप्त किया जाए, तो वो कहते हैं कि आप जब हरिनाम शुद्ध तरीके से लेंगे तो आपको भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त होगा। तो फिर वहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी गरुड़ पुराण से एक बहुत सुंदर श्लोक का विवरण करते हैं जिसमें भागवत क्या है, भागवत कैसा है और किन किन चीज़ों पर वो विवरण देता है, इसकी पूरी गहराई से भागवत की वहाँ पर गुणगान किया जाता है। तो गरुड़ पुराण का ये जो श्लोक है उसमें बताया गया है अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम। तो ये जो भागवत है ये ब्रह्म सूत्र पर एक टीका भी है। अगर किसी को ब्रह्म सूत्र न समझ आए तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है ब्रह्म सूत्र समझने का, वो है श्रीमद् भागवत आप ठीक से सुन लीजिए। अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारत अर्थ विनिर्णय, मतलब महाभारत में अगर कोई प्रसंग है जो आपको नहीं समझ आता है तो उसका वर्णन भागवत करता है, जो आपको और डिटेल में बताता है कि ये प्रसंग में ऐसी परिस्थिति क्यों आई है। तो महाभारत का अर्थ भी इसमें भागवत में बताया गया है। गायत्री भाष्य रूपोसो, तो गायत्री जो है ब्रह्म गायत्री है उसका अर्थ भी श्रीमद् भागवतम पहले ही श्लोक में देता है। वेदार्थ परिब्रह्मितम, और वेदों का जो अर्थ है वो भी श्रीमद् भागवतम बताता है। पुराणानाम समरूप, सारे पुराणों का जो सार है वो श्रीमद् भागवतम में है। साक्षात भागवत उदित, मतलब इसे किसने लिखा है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण के जो अवतार है श्रील व्यासदेव, इन्होंने इसे लिखा है। फिर अगले 2 श्लोकों में देखिए पुराण में है, गरुड़ पुराण में भागवत क्या है, कितने श्लोकों का है। लोग कहते हैं कि कैसे पता चलेगा इसमें कितने श्लोक है, कितने अध्याय है, तो गरुड़ पुराण में इसे बताया गया 12 स्कंद युक्तोयम, ये 12 स्कंदों का भागवत है। और कितने चैप्टर इसे, शत विच्छेद समायुत, 335 चैप्टर भागवत में है, चैप्टर के साथ इसका डिस्क्रिप्शन है गरुड़ पुराण में। और फिर क्या लिखा है, ग्रंथ अष्टदा सहस्त्र, इसमें कितने श्लोक पढ़ते हैं, 18,000 श्लोक इसमें पढ़ते हैं। और फिर अंत में वो कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत है ये इसका नाम है इस ग्रंथ का। तो ये जो लक्षण है कि इसमें ब्रह्म सूत्र की टीका है, महाभारत की टीका है, गायत्री का भाष्य है, सारे वेदों का सार है, सारे पुराणों का सार है, और ये भगवान साक्षात भगवान कृष्ण के जो अवतार है वेद व्यास इन्होंने लिखा है, तो ऐसा जो भागवत है फिर हमें ये जरूरी हो जाता है समझना कि ये भागवत किस विषयों पर भी चर्चा करता है और कुछ है इनके अलावा। तो फिर वो सुखदेव गोस्वामी 10वें यही अध्याय के पहले श्लोक में बताते हैं कि क्यों भागवत को महापुराण कहा गया है और दूसरे पुराणों को महापुराण नहीं कहा जाता।
तो जिस किसी ग्रंथ में ये 10 विषय होते हैं उसी को ही महापुराण कहा जाता है, अन्यथा वो महापुराण की कैटेगरी में नहीं आता है। तो क्या क्या होना चाहिए किसी ग्रंथ को अगर हमें महापुराण कहना है? तो अत्र सर्ग विसर्गश्च, सर्ग मतलब पहली निर्मिति कहाँ से हुई, विसर्ग मतलब प्लान दिया है, तो फिर एक्चुअल प्लान को एग्जीक्यूट किसने किया है? प्लान दिया, मटेरियल दिया, लेकिन उसे एक साथ लाकर किसने बनाया, विसर्ग, उसको सेकेंडरी क्रिएशन कहा जाता है। स्थानम मतलब सारे जो ग्रह मालिका है वो कौन से स्थान पर कहाँ कहाँ क्या क्या है, स्थानम। पोषणम, पोषण मतलब संरक्षण किस तरह से प्रदान किया जाता है। ऊतय, ऊतय मतलब ऊती मतलब कि इसे प्रेरणा कौन देता है। मन्वंतर कि मनुओं का जो बदल होता है वो कैसे होता है। ईश अनुकथा, साइंस ऑफ गॉड मतलब भगवान को जानने की विधि क्या है, ईश अनुकथा। निरोध, भगवत धाम का अगर मुझे जाना है तो कैसे जाना चाहिए। मुक्ति, मुक्ति सही मायने में क्या है, भगवान से एक होना, वो मुक्ति है कि भगवान की सेवा में लगना, अपने वास्तविक स्थिति में जाना, ये मुक्ति है, क्या है मुक्ति। और आश्रय, ये सब जो कुछ बनाया गया है इसका आश्रय स्थान कौन है, इसका निर्माता, प्रमुख निर्माता कौन है, किसका प्लान है ये सब बनाने के लिए, और अंत में मुझे किस पर आश्रित रहना है। तो ये जो फाइनल कंक्लूजन है इसको सुखदेव गोस्वामी जानबूझकर आखिरी में लगते हैं आश्रय ये शब्द लेकर, कि ये सब ठीक है, मुझे क्रिया करनी है, उसका मुझे फल प्राप्त होगा, नया जन्म प्राप्त होगा, 84 लाख योनि है, 14 भुवन है, हाँ सब ठीक है, लेकिन अंत मुझे कहाँ करना है, कंक्लूजन क्या है, ये सब कुछ करने के पश्चात मेरा आश्रय क्या है। अगर ये सब करके हम आश्रय तक नहीं पहुँचेंगे तो हम सही मायने में मनुष्य जीवन यशस्वी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो सबसे प्रमुख और मुख्य शब्द है वो है स्थिति वैकुंठ विजय। तो एक जीवात्मा की सही स्थिति क्या है, तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में कि भगवान के आदेशों का पालन करना ये उसकी स्थिति है, और जब वो ये आदेशों का पालन करने के लिए सहमति नहीं देता कि हम आज से आपके आदेशों का पालन नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक रीति से क्या होता है, फिर उसके लिए एक नई जगह बनाई जाती है जिसको हम भौतिक जगत कहते हैं। और फिर वैकुंठ विजय ये शब्द इस्तेमाल करके कहते हैं कि जीवात्मा का वास्तविक स्वभाव क्या है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, वैकुंठ विजय मतलब भगवान श्री कृष्ण का नित्य नियम से गुणगान करना, ये एक ही उसकी वास्तविक स्थिति है, अन्यथा दूसरी कोई स्थिति उसकी नहीं है। इसलिए कहा गया वैकुंठ विजय, भगवान का गुणगान करना ही उसकी वास्तविक स्थिति है। और फिर एक शब्द यहाँ पर आता है सद्धर्म, कि क्या करने से मुझे सही दिशा प्राप्त होगी जिससे मैं अपनी वास्तविक स्थिति में पहुंच सकता हूं। तो यहां पर प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर एक पंक्ति कहते हैं, इट इज ड्यूटी ऑफ ऑल कंडीशन सोल्स टू एक्नॉलेज द विक्ट्री ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड लीव पीसफुली इन दिस वर्ल्ड। ये भौतिक जगत में हमें सुख से रहना है तो क्या करना होगा, एक छोटी सी बात करनी है कि हमें नित्य नियम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका हमें निरंतर कीर्तन जप करते रहना होगा। और प्रभुपाद बहुत सुंदर इस पंक्ति का अंत करते हैं, लिव पीसफुली इन दिस वर्ल्ड, इस भौतिक जगत में अगर सुख से रहना है लेकिन फिर भी दूसरी ओर इस भौतिक जगत का स्वरूप क्या है, वेयर मिजरीज डेंजर्स आर ऑलवेज एग्जिस्टिंग। मतलब यहां ये ग्रह मन में रखना कि मैं निरंतर सुखी रहूंगा, ये किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अगर हम समझ रहे हैं, ये कई समझ बना लिए कि आज मैं खुश हूं, आज मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, आज मेरे बैंक में बहुत बैलेंस है, और इसी तरह से जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, ये सिर्फ पिक्चर में होता है, ये वास्तविक जीवन में नहीं होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि हम इन भौतिक दुखों से कैसे बाहर निकले, तो ये आज हमें एक संक्षिप्त में इसकी चर्चा करनी है। तो यहाँ पर जो सद्धर्म शब्द है कि वापस भगवत धाम जाना, और सारे क्रिया जो उसके लिए की जाती है भगवत धाम वापस जाने के लिए, उसे ही क्या कहा गया है, सद्धर्म। तो यहाँ पर जो पहला श्लोक है इसमें हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ही आश्रय स्थान है सबके। तो एक भक्त मुझे ये पूछ रहे थे कि प्रभु जी जीवन में बहुत
कष्ट है, तो इन कष्टों का निवारण कैसे करना है। उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो रहे थे और माताजी घर से चली गई कुछ महीनों के लिए, कि उनके घर के जो बड़े बुजुर्ग थे उनके साथ उनकी नहीं जम रही थी और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो एक स्वाभाविक रीति से दोनों में तान तनाव हुआ, फिर वो उनको लेने के लिए गए और फिर वो वापस नहीं आ रही थी। तो फिर वो इस पूरे प्रसंग में इतने परेशान हो गए कि वो पूछ रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये स्वाभाविक है कि भौतिक जीवन में जहाँ यहाँ पर प्रभुपाद जो लिख रहे हैं कि ये सब तो होना ही है, ये भौतिक जीवन है, यहाँ पर समस्या हमें आएगी ही। तो इसलिए आश्रय कहाँ पर लेना है इस समय में, तो ये हमको यहाँ पर समझना है। तो आश्रय के लिए यहाँ पर प्रभुपाद पांचवें और छठे श्लोक में बहुत दो सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे कोई राजा है और राजा का कोई ट्रुप है, तो राजा का जो ट्रुप है वो पूरी तरह से राजा पर आश्रित रहता है, बराबर है। जब वो राजा पर आश्रित होता है, राजा जब चलेगा ट्रुप चलता है, राजा रुक गया ट्रुप भी रुक जाता है, राजा ने खाना खिलाया तो ट्रुप चलता है, वरना वो वहीं पर खंडित हो जाता है। उसी तरह से कोई भी जो बद्ध जीवात्मा है, अगर उसे अपनी इच्छा पूरी करनी है तो वो पूरी ही तरह से भगवान श्री कृष्ण पर ही आश्रित होता है। कोई भी इच्छा हो छोटी बड़ी, इसे प्राप्त पूरा करने के लिए उसे भगवान का ही आश्रय लेना पड़ता है। और दूसरी बात प्रभुपाद यहां पर बताते हैं कि सारे जो जीवात्मा है वो इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट मतलब क्या, एक दूसरे पर आश्रित है। अभी ये शब्द थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसे समझना बहुत जरूरी है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब है कि एक दूसरे पर आश्रित होना, फिर वो कई चीज़ों के लिए आश्रित होता है, उस पर हम थोड़े चर्चा करेंगे विस्तार से। प्रभुपाद सुंदर उदाहरण देते हैं कि आंखें हैं और चंद्रमा है, सूरज है। अगर सूरज है लेकिन आंखें नहीं है तो कोई फायदा है सूरज का? कोई फायदा नहीं। सूरज है लेकिन देखने के लिए आंखें नहीं है तो फायदा है? नहीं है। सूरज है और आंखें हैं तभी एक दूसरे का फायदा है। उसी तरह से भगवान ने जब ये सृष्टि की निर्मिति की तो इस तरह से की है कि हम यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आश्रित है, जैसे सूरज और आंखें एक दूसरे पर आश्रित है। तो फिर अभी प्रश्न ये उठता है कि किसने हमें आश्रित बनाया और क्यों। तो स्वाभाविक जैसे हमने देखा ये 10 जो मुद्दे है इसमें साफ जाहिर होता है कि भगवान ने हमें एक दूसरे पर आश्रित बनाया। तो क्यों बनाया एक दूसरे पर आश्रित? आश्रय एक दूसरे पर लेना, एक दूसरे का आश्रय लेना क्यों जरूरी होता है? तो एक जैसे एक उदाहरण आता है, जैसे ये भक्त मुझे पूछ रहे थे कि मेरे जीवन में बहुत समस्या है, मुझे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपको पूछता है कि भाई ये मुझे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, हम क्या कहते हैं हर चीज के लिए, जप करो, बराबर, जप करो, 16 माला करो, 32 माला करो, 64 करो, भागवत पढ़ो, ठीक है, ये सॉल्यूशन देते हैं हम लोग। तो उसको लगता है कि ये सॉल्यूशन कितना प्रैक्टिकल है, आज मुझे पैसे की जरूरत है, जप देगा 16 माला करूंगा, 32 करूंगा, 64 बोलो 64 करूंगा, मेरे को 1,00,000 रुपया चाहिए, ला के देंगे, कौन देगा आपको? मेरा स्वास्थ्य खराब है, आपका जप ठीक कर देगा? मेरे घर में इतनी परेशानी है, आपका जब ठीक कर देगा? प्रैक्टिकल सही क्वेश्चन है, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अब यहां पर हमको कुछ चीजें समझनी होगी, तब जाकर हमको यह पता चलेगा कि यह सॉल्यूशन प्रैक्टिकल कब होगा। जैसे केमिस्ट्री में सॉल्यूशन को अगर टेस्ट करना है तो उसके लिए लिटमस पेपर की जरूरत पड़ती है, सही। अगर आप उंगली डालकर पूछेंगे, कहेंगे किसी को कि बताओ ये एसिडिक है कि अल्कलाइन, बता पाएगा? उसके लिए लिटमस पेपर की जरूरत है, लेकिन किसी को पहले ये तो पता चले कि भाई लिटमस पेपर का काम क्या है। उसी तरह से जब परीक्षित महाराज पहले स्कंद में हम देखते हैं कि उनको 7 दिन की मोहलत दी जाती है, शाप दिया जाता है और कहा जाता है कि 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु होगी, तो वो भी यही प्रश्न लेकर गए थे किसके पास, सुखदेव गोस्वामी के साथ। उनको पूछा भाई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताओ, 7 दिन में मैं मरने वाला हूं,
बराबर है। तो हमको पहले यह समझना है कि जैसे प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं कि भौतिक जीवन मतलब प्रॉब्लम्स होंगे ही होंगे, उसकी सिर्फ जो सीवियरिटी है वो कम या ज़्यादा होगी, प्रॉब्लम्स आना ही आना है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ भक्त होते हैं जिनका जीवन बहुत स्मूथ चलता है, जो जो चीज़ें चाहिए वैसी मिल जाती है, बहुत उतार चढ़ाव नहीं दिखता है, जो चीज़ों की ज़रूरत है मिलता है। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि दूसरे भक्त ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स होता है, एक के बाद एक, एक के बाद कुछ ना कुछ चलते रहता है। या कुछ भक्त ऐसे होते हैं इनिशियल फेज बहुत अच्छा जाता है, आनंद से भक्ति करना है, यात्रा करना है, कथा कीर्तन सब आनंद से होता है, लेकिन बाद में फिर मीटर शुरू हो जाता है, फिर ऐसा शुरू होता है कि कई सालों तक चलता है। तो प्रभुपाद एक जगह एक कन्वर्सेशन में बहुत सुंदर मुद्दा कहते हैं कि डिवोटीज ऑफ इस्कॉन शुड नॉट फॉलो कृष्ण कॉन्शियसनेस ब्लाइंडली, वी शुड एक्सपेरिमेंट ऑन इट एंड इफ इट वर्क्स देन वी शुड मूव अहेड। प्रभुपाद क्या कहते हैं, कृष्ण भक्ति ये एक विज्ञान है, ये एक प्रक्रिया है। तो जब हम प्रक्रिया कहते हैं तो उसमें स्वाभाविक रूप से क्या होता है कि रिजल्ट की अपेक्षा हो जाती है। मैं अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो एक्सपेरिमेंट के बाद मुझे एंड रिजल्ट कुछ ना कुछ चाहिए, वैसे ही कृष्ण भक्ति एक विज्ञान है। और अगर ये विज्ञान करते समय हमें रिजल्ट्स प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम वो एक्सपेरिमेंट ठीक तरह से नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो कृष्ण भक्ति में अग्रसर होने के लिए दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, पहला है श्रद्धा और दूसरा है बुद्धि, फेथ एंड इंटेलिजेंस। तो बुद्धि का उपयोग क्या होता है, अगर कोई चीज़ मुझे वेरीफाई करनी है, किसी चीज़ को मुझे प्रमाणित करना है, अगर मुझे कोई डाउट है उसे क्लियर करने के लिए, और अंत में मुझे वो डाउट क्लियर करने के पश्चात एक कंक्लूजन तक पहुंचना है, वहां पर मुझे बुद्धि की ज़रूरत है। जैसे हम देखते हैं कि भक्ति में भी साधकों का स्तर है, एक ही व्यक्ति या सारे भक्त एक ही स्तर पर नहीं होते, कोई बहुत प्राइमरी स्टेज पर होता है, कोई एडवांस स्टेज पर होता है। तो हम देखेंगे कि ये दो चीज़ें जो है फेथ और इंटेलिजेंस ये कैसे काम करती है, थोड़े उदाहरण से हम समझेंगे पहले। तो कोई उच्च भक्त होते हैं जैसे भृगु मुनि, 11वें स्कंद में भृगु मुनि की कथा आती है, जब उनको सारे जो ऋषि है वो कहते हैं कि आप ये ढूंढ कर निकालें कि सबसे श्रेष्ठ कौन है ब्रह्मा विष्णु महेश में। तो अब भृगु मुनि देखिए इतने उच्चतर कोटि के भक्त है कि वैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु की उन्होंने परीक्षा की, और परीक्षा करने की जैसे प्रभुपाद कहते ना कि प्रैक्टिकल करो, उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा, भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी, और बाद में वो कंक्लूजन पर आए कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है, तब वो कहते कि नहीं भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ है। और तब प्रभुपाद वो फिर बहुत सुंदर लाइन लिखते हैं कि ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज एस्टिमेटेड बाई दी टू द एक्सटेंट ही टॉलरेट्स प्रोवोकिंग सिचुएशन, वो कितनी अच्छी तरह से ये जो उत्तेजक स्थिति है उसे कितनी अच्छी तरह से वो सहन कर सकता है, इससे समझता है कि वो भक्त कितना प्रगत है। लेकिन दूसरी ओर हम साधक हैं तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, तो हमारे लिए रिजल्ट क्या है कि जब हम ये भक्ति की प्रक्रिया में लगे हैं तो हम में कुछ हमारे अंदर बदलाव दिखते हैं क्या, ये भी तो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही है, ये भी तो रिजल्ट है। तो ये हमें हमेशा निरंतर देखते रहना है कि मैं जब शुरुआत में आया था और आज की तारीख में मुझ में कितना अंतर हुआ है कि नहीं, ये जब हम देखते हैं तो वो भी एक प्रैक्टिकल अनुभव है जो कि हम बुद्धि के द्वारा समझ सकते हैं। लेकिन अभी बुद्धि का एक कार्य ये भी है कि बुद्धि डाउट क्रिएट करती है, अरे ये ऐसा होगा क्या, एक जीवन में भगवत धाम जाना है क्या, मुमकिन है, ऐसे कई सारे डाउट आते हैं। तो उस समय हमें श्रद्धा की ज़्यादा ज़रूरत होती है, फेथ जिसे हम कहते हैं। कोई भी रिलेशन आप ले लीजिए, कोई भी रिलेशन, एक माँ का बच्चे के साथ, पिता का बच्चे के साथ, पति पत्नी का, भाई बहन का, ऑफिस में कोई एम्प्लॉई है कलीग कलीग के बीच में, या जो कंपनी का मालिक है और जो काम करने वाले लोग हैं, इनमें यहाँ तक विश्वास ये अनिवार्य है, बिना विश्वास के आप उस ऑफिस में काम ही नहीं कर सकते, उस व्यक्ति के अंडर आप काम ही नहीं कर सकते अगर आपको उसमें विश्वास नहीं। अगर आपको ये विश्वास है कि आपका मालिक आपको महीने के अंत में पगार देगा तभी काम करते हैं कि नहीं, कि कुछ टेंशन नहीं प्रभु जी अभी 16 माला चालू कर दिया, पगार मिले नहीं मिले कोई फर्क, कितने लोग जाते हैं ये सोचकर,
नहीं, विश्वास है कि महीने के अंत में वो पगार देगा। वैसे ही कहीं ना कहीं श्रद्धा का भाग भी उतना ही जरूरी होता है, वरना सिर्फ बुद्धि से विचार करेंगे तो बुद्धि अंत में क्या कहेगी, ये सब अचिंत्य है, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन श्रद्धा जब होती है तो श्रद्धा कहाँ पर काम आती है, जब बुद्धि का कार्य समाप्त हो जाता है तब श्रद्धा का काम शुरू होता है। इसके लिए अगर हमें कृष्ण भक्ति में प्रगति करनी है तो ये दो चीज़ें, श्रद्धा और बुद्धि, इन दोनों का समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार साधक हमेशा पूछते हैं कि भगवान नहीं दिखते, कृष्ण हमारे साथ है यह हमें पता नहीं चलता। तो एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है रामायण में, रामचंद्र इनको 14 साल का वनवास हो चुका है, अनाउंसमेंट हो गई है, उन्होंने घर छोड़ दिया है, अयोध्या पूरी छोड़कर अभी वनवास के लिए निकले हैं, गोवा के राज तक पहुंचे हैं, गोवा के राज में रात भर रुकने के पश्चात अभी वो उनका गंगा क्रॉस करके आगे जाने वाले है, जंगल अभी शुरू होगा। तो वहां पर भगवान रामचंद्र पूरे स्थिति का मुआयना करते हैं कि अभी मेरे साथ कौन कौन है, मेरे साथ सीता है जो कि बहुत सुकुमारी है, लक्ष्मण है जो बहुत गुस्से वाला है, और इन दोनों को मुझे अपने साथ 14 साल लेकर जाना है। तो यहां पर लक्ष्मण जी की तुलना गुरु से की है और माता सीता की तुलना एक जो स्टूडेंट होता है, साधक होता है, उसके साथ की गई है। तो इन पूरे इसका मुआयना करने के पश्चात रामचंद्र जी कहते हैं कि लक्ष्मण तुम सबसे आगे चलो। अभी हमने कई बार सुना है कि रामचंद्र जी आगे चल रहे थे फिर माता सीता, लेकिन वाल्मीकि जी बताते हैं कि जब वे जंगल का जो प्रवास शुरू होता है तो पहले रामचंद्र जी क्या करते हैं कि लक्ष्मण जी को आगे रखते, बीच में सीता को रखते और पीछे वो खड़े रहते। तो देखिए निर्देशन क्या देते हैं कि जब ये भौतिक जीवन जो है जिसमें बहुत समस्याओं से भरा हुआ ये जंगल है, तो नए नए जब हम होते हैं, जब शुरुआत करते हैं भक्ति के जीवन में, तो रामचंद्र जी क्या करते हैं, पीछे खड़े रहते हैं। सबसे आगे किसको रखते हैं, गुरु को रखते हैं, बीच में शिष्य को रखा जाता है और भगवान पीछे से पूरा संरक्षण देते हैं। और जो व्यक्ति मेरे पीछे खड़ा है वो मुझे दिख सकता है क्या, नहीं दिखेगा, क्योंकि वो मेरे पीछे है। मुझे किसको देखना है, भगवान क्या निर्देशन कर रहे हैं, जब आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो मुझे सिर्फ गुरु और गुरु के इंस्ट्रक्शंस पर ही ध्यान करना है। भगवान पीछे है ये आपको गृहित धर पकड़ कर ही चलना है, ये आपको कंसिडर करके ही चलना है कि वो चल ही रहे हैं आपके पीछे, और वो है भी। और गुरु शिष्य की परिस्थिति को समझकर, मतलब आप कहेंगे कि अभी तो लक्ष्मण जी आगे देख रहे हैं, माता सीता तो पीछे है, लेकिन गुरु उसी को कहते हैं जो शिष्य की बर्ताव से, शिष्य के गुणों से ही तुरंत पहचान जाता है कि ये शिष्य, ये व्यक्ति जो मुझ पर आश्रित है, इसकी स्थिति क्या है। तो अगर हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान नहीं दिख रहे हैं, तो इस प्रसंग से रामचंद्र जी दिखाना चाहते हैं कि वे हमेशा हमारे साथ में ही है। लेकिन वो क्या चाहते हैं कि हम आज किसके साथ संपर्क में रहे, सिर्फ गुरु के साथ संपर्क में रहे, उसकी वाणी के साथ संपर्क में रहे। अगर हम गुरु की वाणी के साथ संपर्क में नहीं रहेंगे तो फिर हम भटक सकते हैं इस जंगल में। इसलिए गुरु कौन होता है, जो निरंतर भगवान के संपर्क में रहता है, उसे ही गुरु कहा गया है। जैसे चंद्रमौली महाराज, परम पूज्य चंद्रमौली महाराज, एक बार ब्रह्मचारी क्लास में बहुत सुंदर कह रहे थे राधानाथ महाराज के बारे में, राधानाथ महाराज के बारे में कह रहे थे कि आप जो ब्रह्मचारी है आपको आपके गुरु से बहुत सावधानी से रहना चाहिए। आपको ही नहीं, सारे जितने भी शिष्य है राधानाथ महाराज के, अब ये जितने भी गुरुजन है ये इन सबके लिए लागू पड़ता है, ये ऐसा नहीं, ये सिर्फ मैंने सुना है इसलिए मैं महाराज का नाम ले रहा हूं, लेकिन जितने भी श्रील प्रभुपाद के वरिष्ठ भक्त है वो सब इस स्तर पर है। तो उन्होंने कहा महाराज के बारे में कि आप जब आपके गुरु के सामने जाते हैं तो आप जैसे हैं वैसे ही खुद का दर्शन करें, दिखाएं, ऐसा नहीं कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है। तो एक फिर ब्रह्मचारी ने प्रश्न पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे। तब उन्होंने कहा कि आपके गुरु महाराज निरंतर निरंतर हरिनाम के माध्यम से परमात्मा के संपर्क में रहते हैं, इसलिए परमात्मा उनको तुरंत बता देता है कि ये व्यक्ति क्या है, कैसा है,
कितना प्रगत है, प्रगति कर रहा है नहीं, चार नियम पालन कर रहा है नहीं। एक बार दीक्षा की बात है, पूरी लिस्ट तैयार हो गई, दीक्षा का दिन आ गया, दीक्षा देना शुरू हो गया और अचानक एक भक्त सामने आए, उनका नाम आया, अभी माला देने का समय है और अचानक महाराज उनकी आंखों में देख रहे। सबको समझ ही नहीं आ रहा कि महाराज देख क्यों नहीं रहे माला। तो महाराज ने कहा आप बाद में ही, हम आपको बाद में दीक्षा दें। तो अभी इतने सारे भक्त बैठे हैं और अचानक आपको कहा जा रहा है कि हम अभी आपको दीक्षा नहीं देंगे, तो फिर वो चले गए भक्त। फिर बाकी सबका दीक्षा हो गया, फिर उन्होंने सीनियर्स को पूछा कि भाई क्या हुआ, अचानक मेरा नंबर आया था और मुझे दीक्षा नहीं दी गई। तो फिर महाराज के साथ उनकी मीटिंग हुई और फिर महाराज ने उनको एक ही प्रश्न पूछा, दीक्षा से एक दिन पहले आप कहाँ थे? दीक्षा से एक दिन पहले आप कहाँ गए थे? तो वो कुछ बोला नहीं। तो उस भक्त को लगा कि अभी दीक्षा हो जाएगी, इसके आगे चार नियम कठोरता से पालन करने पड़ेंगे, तो वो एक नियम तोड़ने के लिए उस रात चला गया था। अभी आपके गुरु को कैसे पता चला कि उसने एक नियम एक रात पहले तोड़ा है? तो यही भगवान दिखाना चाहते हैं कि गुरु निरंतर निरंतर भगवान के संपर्क में रहते हैं, परमात्मा के संपर्क में रहते हैं, इसलिए परमात्मा तुरंत वो सारी चीजें बता देगा कि आपका प्रगति का स्तर क्या है। हम नहीं छुपा सकते गुरु के सामने हम कितनी प्रगति कर रहे हैं, हम कितने जिन्युइन हैं कि नहीं। इसलिए भगवान कब दिखेंगे? 7.25 में कृष्ण क्या कहते हैं, नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। जब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, जब मेरी इच्छा होगी तभी तुम्हें मेरा दर्शन होगा, जब मैं प्रकाशित करूंगा खुद को तभी तुम मेरा दर्शन कर पाओगे, अन्यथा मेरा दर्शन करना मुश्किल है। इसलिए साधक के जीवन में हमें श्रद्धा और बुद्धि इन दोनों का समन्वय होना बहुत जरूरी है। हमें आज की तारीख में कितनी श्रद्धा है? चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भक्त की प्रगति का लक्षण क्या है, कि उसे भगवान में कितनी श्रद्धा है, वो कितने साल से जप कर रहा है, इससे उसकी प्रगति नहीं होती है, समझ में आती है। उसे भगवान पर कितनी दृढ़ श्रद्धा है कि अगर आज भगवान मुझे किसी ऐसे संकट में डाल दे, मुझे ऐसा सबके सामने एकदम एक्सपोज कर दे कि मेरी वास्तविक स्थिति सबके सामने आ जाए, तब हमें क्या लगता है, हम ये समझ पाएंगे कि नहीं भगवान ने मेरे अच्छाई के लिए किया, ये श्रद्धा है। तो उस श्रद्धा के स्तर पर प्रगति तय होती है, न कि हम कितने साल से जप कर रहे हैं, कितने साल से भक्ति कर रहे हैं। जैसे एक बार एक बहुत सुंदर स्टोरी आई थी, तो एक आइस क्लाइंबर होता है, तो आइस क्लाइंबर मतलब जो हिमालय की चोटी चढ़ते हैं, तो अब एक ग्रुप के साथ होते, तो सब लोग वो रस्सी लगा कर चलते ताकि कोई भटक नहीं, लेकिन बीच में क्या होता है कि वो ग्रुप से अलग हो जाता है, और ग्रुप से अलग हो जाता है तो उसे समझ नहीं आता कि कौन सी दिशा है। तो अचानक होता ही हुआ कि बहुत जोर की हवा आती है और वो उसका बैलेंस चला जाता है और वो पूरी तरह से जो चोटी है उसे नीचे आने लगता है, और वो उसको समझ जाता है कि अभी हमारा कुछ ये नहीं है, हमारा अभी अंतिम समय पास में आ गया। लेकिन चूंकि रस्सी बांधी होती है तो वो जोर से चिल्लाता है, भगवान का नाम लेता है, कृष्णा, और अचानक क्या होता है, एक जगह पे वो रस्सी आकर अटक जाती है। तो वो अभी सोचिए, शाम का समय है, अंधेरा हो रहा है और अभी ये पूरा बर्फीला ये पहाड़ है, अभी रात भर अगर ऐसे ही रहेंगे तो मृत्यु निश्चित है। तो भगवान को इतनी तीव्रता से प्रार्थना करते हैं कि मुझे कुछ भी करके आप बचाए। अब वो इतनी तीव्रता से प्रार्थना करता है तो फिर वहां से आवाज आती है कि तुम क्या करो, ये रस्सी को काट दो। क्या आवाज आती है? अभी वो एक ही सहारा है, वो रस्सी, वो आवाज क्या कहती है, रस्सी को काट दो। हमें से कितने लोग अगर ऐसा कुछ आवाज आती तो कहते हैं नहीं गलत है, ये भूत प्रेत होगा। आवाज आती है काट दो, बोलते नहीं नहीं दूसरा कुछ ऑप्शन बताओ, ये थोड़ा रिस्की लगे। फिर से आवाज आती है कि तुम रस्सी काट दो, तो उसे विश्वास ही नहीं होता है कि भगवान की आवाज है। और फिर दूसरे दिन सुबह हो जाती है, फिर उसके सारे दोस्त ढूंढते ढूंढते आते हैं और देखते हैं कि ये जो उनका दोस्त है वो रस्सी से लटका हुआ है, लेकिन ये मर चुका है। लेकिन उनको आश्चर्य इस बात का होता है कि ये व्यक्ति सिर्फ 2 फुट नीचे होता है जहां पर जमीन होती है, अगर उसने रस्सी काट दी होती तो वो जमीन पर गिर गया होता,
लेकिन उसको उस समय विश्वास नहीं बनता है कि अरे ये सही कह रहा है, इसको काट देना चाहिए। उसी तरह से कई बार जब हमको कहा जाता है कि भक्ति में जब भी संकट आए 16 माला क्यों करनी चाहिए, बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। आपके घर में डाकू घुस गया और अब 16 माला करेंगे तो बड़ा मुश्किल काम है, तो कब क्या करना चाहिए इसके लिए भी बुद्धि की जरूरत है। लेकिन सच में घुस ही गए अंदर और कुछ करने लायक नहीं है तो सच में तब क्या कर सकते, तो 16 माला ही कर सकते, तब दूसरा कुछ नहीं कर सकते, तब 16 माला ही आपके हाथ में, क्या है दूसरा आपके हाथ में। तो बुद्धि इसके लिए जरूरी है कि कब क्या करना है, किस हद तक हम जा सकते हैं जहां पर हम स्थिति को हमारे कंट्रोल में रख सकते हैं। जहां पर कंट्रोल है ही नहीं तो उस स्थिति में फिर श्रद्धा पूर्वक हमें क्या करना है, भागवत का आश्रय लेना है, भगवान का आश्रय लेना है। तो इसके लिए ये दो जो चीजें हैं, फेथ और इंटेलिजेंस, बुद्धि और श्रद्धा, इन दोनों का समन्वय एक साधक के जीवन में होना जरूरी है। जैसे तीन उदाहरण से हम समझ सकते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण है ये कि कैसे ये बुद्धि और श्रद्धा अगर हमारे साथ न हो तो गड़बड़ हो सकती है। जैसे हम अगर भागवत पढ़ेंगे तो भागवत में शिवजी, भागवत और पुराण अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें शिवजी ने तीन लोगों के सर काटे, शिवजी ने तीन लोगों के सर काटे, हमको तो एक का ही पता है दक्ष, दूसरा गणपति का भी पता है और तीसरा किसका काटा है, ब्रह्मा जी का। तो ये छोटे से प्रसंग में हम कुछ सीखना चाहेंगे कि कैसे बुद्धि और श्रद्धा इन दोनों का समन्वय होना जरूरी है। तो ब्रह्मा जी का सर क्यों काटा भगवान शिव ने, तो ब्रह्मा जी का सर भगवान शंकर इसलिए काटते हैं क्योंकि पहले ब्रह्मा जी के 5 सर थे, 5 सर होने के कारण, और उनका पूरा शरीर ही बुद्धि से बना हुआ है, मतलब वो सिर्फ विश्लेषण ही करते रहते हैं। तो होता क्या है कि उनके मन से वो एक कन्या का निर्मिति करते हैं, लेकिन होता क्या है, उन्होंने उनके मानसिक स्तर से जो पुत्री को जन्म दिया है वो इतनी सुंदर होती है, इतनी सुंदर होती है कि वो उसके ही पीछे भागने लगते हैं। तो यहां पर आचार्य टीका में बताते हैं कि जैसे आज अगर हम देखें किसी भक्त ने बहुत सुंदर ड्रेसिंग किया है तो वो उसका फोटोग्राफ हमेशा मांगता है कि नहीं नहीं आज का ड्रेसिंग बहुत सुंदर हुआ है तो ये फोटोग्राफ मुझे चाहिए, क्यों, क्योंकि ड्रेसिंग मैंने किया है। किसी का लेक्चर अगर अच्छा हो जाए, किसी का कीर्तन अच्छा हो जाए, किसी का कोई बड़ा प्रोग्राम अच्छा हो, तो तुरंत क्या होता है कि नहीं ये सब मुझे चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने इसको किया। तो एक स्वाभाविक रीति से हमने जो निर्माण किया है भगवान की शक्ति को लेकर, उस निर्मिति से ही हम आसक्त हो जाते हैं। तो ये आसक्ति को काटने के लिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी का भी एक सर काट दिया कि वो जो आसक्ति है, बुद्धि किसकी है, भगवान ने दी है। अगर उसे हम भगवान को अगर समर्पित न करें, हमारे अहंकार को अगर हम समर्पित कर दे तो उससे आसक्ति हो जाती है और फिर भवबंधन हो जाता है। लेकिन यही अगर हम भगवान के लिए करें तो उससे आसक्ति भी नहीं होती है और भवबंधन भी नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी का सर किस लिए काटा, ताकि वो आसक्ति का विच्छेद हो, आसक्ति से वो छूट जाए, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी का सर काटा। क्योंकि बुद्धि का पूरा शरीर होने के पश्चात भी बुद्धि का इस्तेमाल वहां पर नहीं है। फिर हम देखते हैं कि भगवान शंकर दक्ष का भी सर काटते हैं, तो दक्ष का सर क्यों काटते हैं, तो दक्ष ने क्या किया था कि वो जो यज्ञ उन्होंने आयोजित किया था, वो यज्ञ को किस के लिए इस्तेमाल किया उन्होंने, किस चीज के लिए, उन्होंने भगवान शिव को ही कलंकित करने के लिए वो यज्ञ का इस्तेमाल उन्होंने किया। और फिर जब यज्ञ में भगवान शंकर जब गुस्सा हो जाते हैं और वो दक्ष का सर काट देते हैं तो सारे ऋषि मुनि कहते हैं कि आपने ये यज्ञ अधूरा कर दिया, इसे अपवित्र कर दिया, और गुस्से में फिर वो क्या करते हैं, दक्ष का जो सर है वो अग्नि में डाल देते हैं। और जब अग्नि में डालते हैं तो भगवान शंकर कहते हैं अब ये यज्ञ पूरा हुआ, क्योंकि इसमें किस चीज की आहुति हुई है, ये जो दक्ष है इसके अहंकार की आहुति इसमें हुई है, इसके लिए अभी ये जो यज्ञ है ये पूरा हुआ है। तो दक्ष को किस चीज का गर्व था, दक्ष को अपनी बुद्धि और अपनी सुंदरता का गर्व था, इसलिए उसका सर काट के उन्होंने क्या किया, उसकी जो बुद्धि खुद में लगी थी, खुद में आसक्ति उसकी जो बढ़ चुकी थी, बुद्धि का इस्तेमाल भगवान के पास जाने के लिए करना है। प्रभुपद पहले ही तात्पर्य में हमने जो 2 बार पढ़ा
प्रभुपाद लिखते हैं कि किसके लिए करना है, भगवान के पास जाना है, भगवत धाम जाना है, इसके लिए हमें इसका इस्तेमाल करना है। और भगवान गणेश का सर क्यों काटा? तो हम जानते हैं कि भगवान गणेश जी की निर्मिति भगवान शंकर माता पार्वती उनके चंदन से, शरीर पर जो चंदन लगाया होता है उससे निर्मिति करते हैं। तो निर्मिति करने के पश्चात तो उनको क्या कहती कि भैया आप गेट पर खड़े रहिए, किसी को अंदर नहीं आने देना है। तो फिर होता क्या है कि किसी को अंदर नहीं आने देना, बस गणेश इतना ही सुनते, किसी को नहीं आने देना। लेकिन किसी को ना आने देने का मतलब ये नहीं है कि घर के मालिक को आप बंद कर दो आना। तो जब भगवान शंकर आते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे अंदर जाना है, तो वो कहते हैं कि नहीं, माता पार्वती ने कहा कि किसी को अंदर नहीं। तो भगवान शंकर में और गणेश जी में बहुत वहाँ पर मतभेद होता है, और मतभेद में वो काफ़ी उनका आदान प्रदान होता है, काफ़ी वार्तालाप होता है। और अंत में गुस्से में वो क्या करते हैं कि उनका सर धड़ से अलग कर देते हैं। तो जैसे हमने देखा कि ब्रह्मा जी ये बुद्धि के देवता हैं, उनसे आता है प्रजापति दक्ष, जो भी बुद्धि का ही देवता माना गया है। प्रजापति दक्ष से आती है सती दुर्गा, वो भी बुद्धि की देवता है, इसलिए गणेश को भी बुद्धि का देवता माना गया है। जबकि गणेश बुद्धि के देवता होने के पश्चात क्या अच्छा है और क्या बुरा है इस चीज की समझ उन्होंने वहां पर नहीं दिखाई, किस चीज को अंदर आने देना है, किस अच्छे गुण को अंदर आने देना है ये वो नहीं जानते थे, और किस चीज को बाहर जाने देना है ये वो नहीं जानते थे। इसके लिए उनका क्या कर दिया जाता है, भगवान शंकर उनका सर काट देते हैं। तो बुद्धि का इस्तेमाल अनिवार्य है। और फिर जब माता पार्वती पूछती कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरे बेटे को मार दिया, तब भगवान शंकर कहते हैं कि देखिए निसर्ग का नियम क्या है कि एक पति और पत्नी साथ आने के पश्चात ही एक संतति की उत्पत्ति करती है। आपने सिर्फ आपकी ही शक्ति से ये संतति को उत्पन्न किया था, इसमें मेरा कोई अंश नहीं था, इसलिए पुत्र मेरा कहला नहीं सकता है। इसलिए अभी मैं क्या करूंगा, जब मैंने इसका सर काट दिया है तो मेरी ओर से मेरी शक्ति को मैं इसमें प्रविष्ट करूंगा और इसे नया सर में दूंगा, तब जाकर ये जो गणेश है ये हमारा बेटा कहलाएगा। हम आज तक इतना ही जानते, लोग पूछते हैं ना अगर वो इतने बड़े भगवान है तो ये नहीं समझ पाए कि माता पार्वती ने किया था, तो कुछ समझाने के लिए। इसलिए कोई जब कहते बाहर वाले लोग कि दुर्गा ही सर्वश्रेष्ठ है तो ये एक प्रसंग से ही वो सारी चीज समाप्त हो जाती है कि स्त्री अपने आप में पुरुष के बगैर अधूरी है। इसलिए प्रथम किसको श्रेय दिया जाता है, भगवान कृष्ण, उनसे उत्पन्न होती है उनकी शक्ति श्रीमती राधा रानी। तो ये जो तीन उदाहरण है इससे हमें यह समझना है कि बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ करना है, कि जहां पर सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता है वहां पर बुद्धि की जरूरत पड़ती है। जैसे महाभारत में ये कथा आती है चीरकारी, ये अहल्या और गौतम ऋषि के पुत्र हैं। तो जब गौतम ऋषि ये देखते हैं कि अहल्या ने किसी और पुरुष के साथ संबंध बनाया, तो गौतम ऋषि इस पुत्र को आज्ञा देते हैं कि तुम्हारी माता को यहीं पर समाप्त कर दो, और गुस्से में वो चले जाते। महाभारत में एक कथा आती इस तरह से आती है, और वो कहते हैं कि अपनी माता को आप मार दो, और वो गुस्से में चले जाते हैं वहां से। जब वो गुस्से से चले जाते हैं तो ये जो चीरकारी है, चीरकारी का मतलब ये जो दीर्घ सूत्री है, जो हर चीज पे बहुत ज्यादा विश्लेषण करता है, जिसका खंडन, जिसे अवगुण में डालते हैं भगवान कृष्ण। लेकिन कभी कभी ये चीज जहां पर अधिक विश्लेषण है फायदेमंद भी हो सकता है, वो यहाँ पर इस प्रसंग से बताया गया। तो ये चीरकारी पूरे स्थिति का मुआयना करता है, वो कहता है, वो सोचता है कि अगर मैं मेरी माँ को मार दूं तो क्या होगा, अगर मैं मेरे पिता की आज्ञा का पालन न करूं तो क्या होगा। इस दोनों स्थिति को वो पूरी तरह से विश्लेषण करता है। मेरी माँ एक स्त्री है, शास्त्र के अनुसार किसी भी स्त्री का वध करना पाप है, फिर वो चरित्रहीन भी क्यों ना हो उसका वध करना ये शास्त्र के विरुद्ध कहा गया है। फिर वो ये एनालाइज करता है कि मेरी माँ का जो गुनाह है वो कितना ज्यादा है, कम है, ज्यादा, इसका एनालिसिस करता है। फिर इस गुने के लिए उसको मार देना क्या ये उचित है, इतना पूरा एनालिसिस वो करता है। फिर ये एक सेट हो गया। फिर दूसरा वो कहता है कि पिता की आज्ञा गुरु की आज्ञा के बराबर होती है, उसके लिए अगर मैं पिता की आज्ञा को नहीं मानूंगा तो मुझे पाप लगेगा, अगर ये पाप लगेगा तो मुझे क्या क्या होगा, इसका पूरा एनालिसिस करता है। और फिर दोनों को जब वो सामने रखता है तब वो अंत में निर्णय
पर पहुंचता है कि नहीं, कि इस स्थिति में पिता की बात को न भी मानूं तो चलेगा लेकिन माता की हत्या नहीं कर सकता। फिर यहां पर ऋषि गौतम ऋषि जो चले गए हैं जंगल में, तो फिर जब वो जाते हैं स्नान करते हैं, जब उनका मन शांत हो जाता है तो आते समय सोचते कि अरे बाप रे, मैंने इतनी बड़ी आज्ञा दे दी एक स्त्री हत्या के लिए। और तब जब वो भी एनालाइज करते हैं वो पूरी सिचुएशन को कि उसकी हत्या करने ये कोई उस स्थिति के लिए उचित निर्णय नहीं था, तो वो मन ही मन में प्रार्थना करते हैं कि मेरा बेटा मेरी पत्नी की हत्या न करे। ऐसे मन ही मन में प्रार्थना करते करते वो बहुत तेजी से घर पर वापस आते हैं, और वो जब देखते कि चिरकारी सोचते बैठा है और उनकी पत्नी जीवित अवस्था में है, तब वो बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर वो चिरकारी को आशीर्वाद देते हैं कि तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। तो हाँ, बुद्धि उसके लिए भी उतनी ही जरूरी है। तो ये जो दो चीजें जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, बुद्धि और श्रद्धा। श्रद्धा कहाँ पर, जहाँ पर अपना लिमिट खत्म हो जाता है, जहाँ हमारी पर्सनल शक्ति खत्म हो जाती है वहाँ पर, और बुद्धि कहाँ पर, जहाँ तक हमारी शक्ति है वो शक्ति से हम इस स्थिति को सुधारने की कोशिश कर सकते। तो दोनों ही चीज़ें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हमने यहाँ पर प्रभुपाद जो तात्पर्य में लिखते हैं कि भौतिक जीवन मतलब समस्याएं तो ज़रूर आएगी, तो फिर साधकों के भी कई स्तर हम यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनके जीवन में बहुत समस्याएं नहीं है, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी ये बात कही, लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं जिनके जीवन में कई सारी समस्याएं आती रहती है। तो भागवत के आधार पर हम इन दोनों तरह के भक्तों का एनालिसिस करेंगे, ये देखेंगे कि कौन सी स्थिति अच्छी है। हम जितना भी आज कुछ कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, एक ही चीज कि भाई किसी दिन सुख शांति से बैठ के मैं सोलामाला जप करूं, मेरे घर में सारी सुख सुविधाएं हो, मेरे पत्नी बच्चों के लिए सारी चीजें मैं जमा करके रख दूं। अभी जिनके पास है ये सारी चीजें, पहले भी यही स्थिति थी, आज भी यही स्थिति है। जैसे राधेश्याम प्रभु उनके क्लास में ये उदाहरण दे रहे थे, उनके एक बहुत बड़े डोनर है पूना के, तो उनकी जो पत्नी है तो वो जप करती है, बच्चे भी मंदिर रेगुलरली आते हैं, लेकिन ये जो डोनर है रिटायर्ड है, बहुत पैसा है, करोड़पति है। तो राधेश्याम प्रभु उनके घर प्रोग्राम के लिए माता जी ने कहा कि आप उनको समझाइए कि कम से कम एक माला जप करे, दो माला जप करे, दिन भर बस बोले घूमते रहते हैं। तो फिर राधेश्याम प्रभु ने लेक्चर के पश्चात उनको पूछा कि आपके पास इतना समय है, सब कुछ है, आपके बच्चे अभी सेटल हो चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी है, तो आप जब क्यों नहीं करते। तो सोचिए उन्होंने क्या उत्तर दिया होगा, कोई बहुत सब पावरफुल आंसर। उन्होंने क्या, मन नहीं लगता मेरा, करने की इच्छा ही नहीं होती। तो भागवत में भी कुछ इसी तरह से कुछ दो उदाहरण आते हैं कि भक्ति के लिए सारी सुविधा है, सारी बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज भक्ति के लिए है, लेकिन जब सारी सुख सुविधाएं हैं उसके पश्चात उनका क्या कंक्लूजन हुआ इन सारी परिस्थिति को लेकर। तो जैसे माता देवहूति यहाँ पर मन्वंतर की बात कही गई है, तो ये जो दो उदाहरण है ये स्वयंभू मनु से ही निगड़ित है। तो स्वयंभू मनु की जो पुत्री है माता देवहूति, अब ये जो व्यक्ति है ये सोचिए मनु की पुत्री, राजा की नहीं, ये मनवंतर होता है। 14 मनु होते हैं, हर एक मनु का अपना समय होता है, और जब तक मनु होता है दूसरा कोई वहां पर राज्य नहीं करता। मनवंतर के नाम, मनु के नाम से ही वो पूरा मनवंतर जाना जाता है। तो ये स्वयंभू मनु की पुत्री है, आलीशान सब कुछ है, गाड़ी बंगला क्या नहीं होगा, आप सोचिए तब का राजा है, तो सब धन है, संपत्ति है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा क्या नहीं है। ऊपर से ये इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि देवी देवता इसे देखने के लिए आते थे। अगर आज की जो भी मिस यूनिवर्स होगी तो मुझे नहीं लगता कि इंद्र को लगेगा कि नहीं यार एक बार देख के आना चाहिए, मतलब मैं मिस कर दूंगा इसको। जैसे अल्लाह के बारे में उनको लगा नहीं, नहीं देखा नहीं तो यार क्या जीवन है। तो
ऐसा कहीं नहीं है कि कलयुग में भाई बहुत सुंदरता का जो रेंज है वो मेकअप लगा लगा के वो स्किन काली हो जाती है गोरी होने की बजाय। तो ये फॉर्मूला है कलयुग की सुंदरता की। लेकिन देवहूति इतनी सुंदर थी कि जब देवी देवता ऊपर से जाते थे प्लेन से तो एक जन इतना उत्सुक हो गया, थोड़ा और पास से देखता हूं, थोड़ा और पास से, इतना झुक गया कि प्लेन से गिर गया नीचे। सोचिए कितनी सुंदर होगी वो स्त्री, देखने के लिए इतना लालायित हो गया तो गिर गया नीचे। तो इतनी सुंदर है, इतने अमीर घर की है, और निरंतर किसके बारे में सुन रही हो? कर्दम मुनि को देखा नहीं, कर्दम मुनि के बारे में सिर्फ सुना है उन्होंने। कर्दम मुनि के बारे में जब वो इतना सुनती है, सुनने के पश्चात वो डायरेक्ट कर्दम मुनि का व्हाट्सएप नंबर पे नहीं भेजती कि मेरा बायोडाटा ये है तो कैसा लग रहा है, मैच कैसा रहेगा हमारा, नहीं, वो उसकी माता को बताती है कि मुझे कर्दम मुनि से विवाह करना है, आपकी अनुमति है। तो फिर उसकी माता उसके पिता को बताती है कि बेटी का ऐसा ऐसा कहना है। अब ये स्वयंभू मनु के लिए भी बड़ा शौक होता है कि अरे वो तो ऋषि है, हम तो राजघराने से हैं, लेकिन फिर भी अभी पुत्री ने कहा है तो कुछ सोच समझ के क्या होगा। तो फिर उसे लेकर जाते हैं वहां पर, फिर तीनों जाते हैं, माता पिता और पुत्री। फिर वहां पर कर्दम ऋषि को देखते हैं तो कर्दम ऋषि के गुणों का इतना बखान उसमें किया गया कि ऐसा, जय श्री राधा मदन गोपाल ललिता शेखर देवी की जय। तो उनके गुणों का वर्णन किया, ऐसा तेज पुण्य शरीर है देव कर्दम मुनि का। और फिर जब स्वयंभू मनु वो प्रस्ताव रखते हैं कि भाई हमारी पुत्री है और आपसे विवाह करना चाहती है, तो तुरंत वो कहते हैं कि ठीक है, मेरी भी एक शर्त है कि मुझे, मैं जब इनको एक पुत्र दे दूंगा तो तुरंत मैं घर छोड़ दूंगा। तो ये जो उनका तय हो जाता है उसके आधार पर विवाह होता है। हाँ, अभी उसका पहला जो जीवन है बहुत रॉयल है, बीच का जो पैच है वो बहुत रफ है। रफ माने दिन भर सेवा करना है, ऑस्टियर जिसे हम कहेंगे, क्योंकि जिसे बहुत ऐश्वर्य से युक्त जीवन जीने की आदत है उसके लिए तपस्या बहुत कठिन होती है, लेकिन पति की प्रसन्नता के लिए वो बहुत आनंद से ये तपस्या सहन कर लेती है। और जब कर्दम ऋषि ये देखते हैं कि इतने साल इसने तपस्या की, एक नहीं दो नहीं कई साल इसने तपस्या की है, तब फिर वो अपनी योग की शक्ति से ऐसा वैभव प्रकट करते हैं, ऐसा वैभव प्रकट करते हैं कि सोने का वो पूरा उड़ने वाला मैंशन होता है। आज तक इतने स्कैम करके भी किसी ने सोने का विमान नहीं बनाया है, इतना पैसा जितने भी लोगों ने कमाया है इतना किसी ने नहीं कमाया कि एक सोने का विमान बना सके। सोने का टॉयलेट है, सोने का विमान नहीं है। तो वो पूरा सोने का विमान बनाते हैं जिसमें सारे रत्न जड़ित पिलर होते हैं, हम भी लगाते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक का डायमंड होता है, वहां पर प्लास्टिक नहीं, ओरिजिनल डायमंड थे सारे। इतना सुंदर वो वैभवशाली होता है, फिर एक नहीं दो नहीं 100 सालों तक वो विचरण करते हैं उस विमान में। हम जा जाकर कहाँ जाते, नायगरा फॉल अमेरिका में कहाँ जाएंगे, जा जाकर क्या है हमारे पास यहाँ पर देखने के लिए, लिमिटेड है। वो उन्हें पूरा 14 भुवन घुमाते हैं उस विमान से, और 100 वर्षों तक इतना वो इंद्रिय भोग में लगे रहते दोनों। सोचिए कर्दम मुनि जिन्होंने भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन किया है, इतना वो इंद्रिय तृप्ति में, मतलब जितनी अपनी इच्छा है ना कि भाई एक क्वालिफाइड पत्नी हो या एक क्वालिफाइड पति हो वो भी है, भक्त हो, भक्त नहीं उच्च कोटि का भक्त है जिसने भगवान को देखा है। हम तो यहां पर जप करते करते नींद में कभी कभी दिखते हैं भगवान जप करते समय। तो उसके पति ने भगवान को साक्षात देखा है, इतना क्वालिफाइड पति होने के पश्चात अंत में माता देवहूति का क्या साक्षात्कार है, बेस्ट ऑफ द डिवोशनल लाइफ है। अगर कितना भी पतित होने की भी इच्छा हो कि नहीं, फिर भी पति इतना क्वालिफाइड है कि कहीं से भी उठा कर लाएगा, मतलब उनका भगवत धाम जाना निश्चित है। पति इतना क्वालिफाइड है कि भगवान साक्षात उनके पुत्र बने हैं, इतना क्वालिफाइड पति। लेकिन इतना क्वालिफाइड पति होने के पश्चात, इतनी सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन होने के पश्चात माता देवहूति का अंत में क्या साक्षात्कार है, साहम भगवतो नूनम वांछित माया यात्रिणम।
वो कह रहे हैं कि मैंने इतना सब सुख भोगा, लेकिन क्या है, यत्वाम विमुक्तिदाम प्राप्य, मेरे पति इतने पावरफुल है, इतने शक्तिशाली है कि ये वैभव उन्होंने यहां पर खड़ा किया, इतने शक्तिशाली है कि क्या, कि मुझे बंधन से, मुमुक्षे ये बंधनात, इस भौतिक बंधन से छुड़वा सकते हैं, लेकिन वो क्या कहती है, न मुमुक्षे ये बंधनात, मैं इतनी उलझ गई ये इंद्रिय भोग में, इस वासनाओं में, इन इच्छाओं में, न मुमुक्षे ये बंधनात, मेरा इतना क्वालिफाइड पति होने के पश्चात भी मैं ये भवबंधन से बाहर निकलने की इच्छा नहीं कर रही। सोचिए, और हम यहाँ पर जो एक BHK से दो BHK में, दो से तीन में, तीन से चार में जाने के लिए इतने लालयत हैं, यहाँ पर उनका BHK नहीं, उड़ने वाला बंगला है, मैंशन है, तो वो व्यक्ति ये कह रही है कि मेरा क्या हुआ, वांछित माया या दृढ़म, मुझे माया ने इतना, प्रभुपाद उसको अंग्रेजी में लिखते सॉलिडली चीटेड बाय माया, ऐसा मेरा माया ने अपहरण किया मेरी बुद्धि का कि मेरी सारी भावनाएं भगवान से विरहित हो गई और भौतिक चीजों में मेरी आसक्ति बढ़ गई। तो अंत में वो क्या कहती है, वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है जो इतने इंद्रिय सुख भोग को उपभोग कर रही है। दूसरी ओर उन्हीं के भाई है प्रियव्रत महाराज। अब प्रियव्रत महाराज की भी कथा कुछ इसी तरह से, राजा के पुत्र है, स्वयंभू मनु के पुत्र है, बहुत सुंदर है, शक्तिशाली है। उनका जो पहला जीवन है, ब्रह्मचारी आश्रम में कुछ साल रहे, जब उनके पिताजी की आज्ञा हुई, ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई, तो फिर वो तपस्या छोड़कर राजा बने, और इतने शक्तिशाली राजा थे, इतने शक्तिशाली राजा थे कि जब वो देखते थे कि ये जो सूरज है, ये सूरज जब घूमता है प्रदक्षिणा में, तो पृथ्वी का एक हिस्सा अंधेरे में होता है और दूसरे हिस्से में उजाला होता है, तो ये बात उनको कुछ जची नहीं। क्या बात नहीं जची, ये एक बाजू अंधेरे में क्यों है, दोनों बाजुओं में उजाला होना चाहिए, इधर भी मॉर्निंग उधर भी मॉर्निंग, इधर भी नाइट उधर भी नाइट। तो उन्होंने उनका रथ निकाला, उनका सोने का रथ निकाला, वो रथ इतना दैदीप्यमान था, इतना दैदीप्यमान था कि जो दूसरी ओर पृथ्वी के जब जाता था, समझो सूरज इस तरह से, तो उनका रथ उस तरीके से, उस साइड से घूमता था, तो वो साइड भी पूरी तरह से प्रकाशित हो जाती थी। अभी हमारी क्या रेंज है, सूरज से थोड़ा टेम्परेचर कम कर सकते, बहुत गर्मी है, कम से कम उतना तो रेंज, उतना भी नहीं, क्या रेंज क्या है, भागवत वो रेंज देता है, खुशी की वो रेंज देगा कि वो यहां पर पॉसिबल ही नहीं है, और उसी साथ में दुख की वो रेंज देगा जो यहां पर भी पॉसिबल नहीं है। क्या वैभव की बात करते हैं हम लोग, ऐसा वैभव इन्होंने देखा, अरे सोचिए क्या शक्ति होगी कि सूरज को वो कहता है कि नहीं तेरे जैसा मैं घूम के दिखाऊंगा दूसरी दिशा से, और वो रथ इतनी तेजी से घूमता था कि ये फिर जो पृथ्वी है जिसमें हम जो 7 द्वीप दिखते हैं वो इनके रथ के चक्के की वजह से 7 द्वीप हुए। सोचिए इतने शक्तिशाली ये प्रियव्रत महाराज है, और ये प्रियव्रत महाराज जिनका ट्रेनिंग हुआ था नारद मुनि के अंडर, किसके अंडर, नारद मुनि के अंडर, उसके पश्चात गृहस्थी जीवन में आए थे, वो व्यक्ति अंत में 5वें स्कंद के पहले अध्याय के 36-27वें श्लोक में वो कहते हैं अभिनिवेश, अरे मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई अभिनिवेश, मेरा मन किस में चला गया, इंद्रिय विषय वासनाओं में इतना लग गया, वो कहते कि अंधकूप में, इस अंधकूप में पूरी तरह से गिर गया हूं, और अंत में वो क्या कहते, वैनितेय विनोद मृग, मैं मेरी पत्नी के हाथों में एक बंदर की तरह नाचता हूं। विनोद मृग मतलब क्या, जैसे मदारी बंदर को नचाता है, वैसे ये शब्द इस्तेमाल करते खुद के लिए, और अंत में क्या कहते हैं, दिख दिख गरियम, मतलब धिक्कार है मेरा कि मेरे गुरु जो नारद मुनि है, जिनसे मैंने इतनी ट्रेनिंग ली, मेरे पास जो इतना वैभव है, मैं स्वयंभू मनु का पुत्र हूं, मैं सारे नियम जानता हूं, जो मैं सारे शास्त्र जानता हूं, इतना मेरा रॉयल ऑपुलेंस है, उसके पश्चात वो खुद का धिक्कार कर रहे हैं। क्यों धिक्कार कर रहे हैं कि इतना उपभोग लेने के पश्चात भी मैं भगवान
को स्मरण नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए फिर अंत में वो क्या करते, अपने पुत्र को सारा राज्य देते, घर छोड़कर चले जाते। तो सारे आश्रम में एक ही प्रॉब्लम होता है कि जैसे जैसे भक्त प्रगत होता है तो लाइफ थोड़ा स्मूथ हो जाता है। सोला माला ठीक से चल रहा है, घर की सारी जरूरतें पूरी हो रही है, मंदिर के सारे सत्संग चल रहे हैं, मेरा एक खुद का प्रोग्राम भी चल रहा है, सब लोग प्रभु जी कह के बुलाते हैं, तो क्या हो जाता है, ऐसा लगता है कि लाइफ स्टेडी हो गया है। हमको क्या लगता है, बस अभी यही जीवन है, इसी तरह से सब कुछ चलना चाहिए। लेकिन जहाँ पर स्टेडीनेस आ गया भक्ति में, समझ लीजिए अगर हम ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ ही समय की बात है कि नीचे की ओर हमारी गाड़ी जानी, ये गारंटी है। फिर आप ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यास हो, स्टेडीनेस ये घातक है। क्यों घातक है, क्योंकि उसमें उच्च स्वाद का अनुभव नहीं है। स्टेडीनेस में क्या होता है, इंद्रिय का दमन हो जाता है, हरिनाम की शक्ति से सारी चीजें अपने मन के अनुसार चलने लगती है, लेकिन कि उसमें उच्च स्वाद का अनुभव नहीं है तो नीचे गिरने का ही उतना ज्यादा चांस होता है। इसलिए कोई भी आश्रम में अगर हम स्टेडीनेस के आगे और बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो कंफर्ट जोन में जब हम चले जाते हैं तो वहाँ से फिर क्या होता है, भगवान से दूर जाने की बहुत तीव्र आशंका निर्माण हो जाती है। फिर कर्वा भक्त कहते कि अरे अब तो मैं वृद्ध हो गया हूँ, मैं सीनियर होते जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए, मुझे थोड़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए। अजामिल की उम्र क्या थी जब उसने घर छोड़ा, 88 साल में जब वो था तब उसने ऐसा कह, अरे भाई तो कमर में तो बहुत दर्द होता है, अब मैं जब कैसे करूँगा, अब मेरे को अलग सा रूम दे दीजिए, अब मुझे अलग सा स्पेस दे दीजिए। 88 ईयर्स में अजामिल ने 12 साल इतनी कठोर तपस्या की, उसने शरीर का कोई बहाना नहीं दिया। सोचिए जो व्यक्ति के मन में एक यंग उम्र से लेके 88 साल की उम्र तक उसने इतना विषय उपभोग किया है, वो भी अवैध वालों की तो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो तो पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड है। अवैध वाले की भी क्या एंड रिजल्ट क्या है, आप वैध इंद्रिय भोग करो, अवैध इंद्रिय भोग करो, दोनों ने अपना अपना कंक्लूजन दे दिया है। भाई इसके आगे दूसरा कंक्लूजन नहीं निकलेगा, निकलेगा ही नहीं, ये ऑलरेडी रिजल्ट डिक्लेयर्ड है। आप बोनाफाइड इंद्रिय भोग करो, अनबोनाफाइड करो, रिजल्ट दोनों ने दे दिए। अजामिल क्या कहता है भागवत में कि मैं भी कैसा था, डांसिंग डॉग। यहां पर प्रियव्रत महाराज खुद को बंदर कहते हैं, वहां पर अजामिल खुद को कुत्ता कहता है, इतना अंतर। तो यही अवस्था होने वाली है, इसके अलावा और दूसरी कोई अवस्था नहीं है साधक की, अगर हम निरंतर भक्ति के जीवन में प्रगति नहीं करते। इसलिए भक्त कई बार यही पूछते कि अरे इतना साल हो गया जब से प्रभाव नहीं दिख रहा है, मैं इतना जप कर रहा हूं लेकिन अभी भी वो वासनाएं उतनी तीव्र दिखती है। तो सिंपल उदाहरण है जो हम भागवत में सुनते हैं, कुंजर शौचो, सुना है आपने कुंजर शौचो, क्या होता है, हाथी स्नान। हाथी स्नान कैसे करता है, 2 घंटा पानी में रुक के ऐसा रगड़ता है, वॉशिंग पाउडर निर्मा, ये लगाओ, साबुन लगाओ, वो लगाओ, सब लगाओ, पूरा फैमिली एक दूसरे को घुसता घिसता है। 2 घंटा स्नान करने के पश्चात जब हाथी बाहर आता है तो क्या करता है, मिट्टी उठाता है और कुंजर शौच। तो हमारी भी अवस्था वैसी है ना, कड़ाक सोला माला जप किया, जैसे ही सोला माला खत्म हुआ बिल बैग को लटका दिया, बाद में क्या निकालते, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये वीडियो आया, वो वीडियो आया, ये अपडेट करना है, वो अपडेट करना है, क्या ये कुंजर शौच। कुछ लोग तो नहाते नहाते मिट्टी डालते हैं, एक हाथ में माला दूसरे हाथ में मोबाइल, अरे इसको अपडेट कर, मैं चैंटिंग, आई एम दिस, आई एम बिजी, आई एम दैट, ये वीडियो डाउनलोड कर, वो वीडियो डाउनलोड कर, ये क्या है, नहाते नहाते मिट्टी डालना है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर ये प्रश्न पूछने का अधिकार हमें नहीं है कि भक्ति में प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये जो 2 उदाहरण हमने क्या देखा कि भले ही कितनी भी आनंददायी अवस्था हो भक्ति के जीवन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भक्ति की प्रगति का या जीवन को स्टेडी रखने का या भक्ति को स्टेडी रखने के लिए ये जीवन जरूरी है,
ऐसी कहीं भी कोई बात नहीं है। इसलिए हमने ये दो उदाहरण से देखा कि अगर स्टडी भी लाइफ है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो भगवत भक्ति से अलग हो सकता है या डाइवर्ट हो सकता है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि कोई भक्त प्रगतिशील है कि नहीं? तो दो चीजें हैं उसे कि वो ज्यादा से ज्यादा उसमें तीव्र इच्छा है भगवान की सेवा करने के लिए, गुरु की सेवा करने के लिए। और दूसरा लक्षण रूप गोस्वामी बताते हैं अव्यर्थ कालत्व, वो कहीं पर भी अपना समय गलत चीजों में नहीं गवाता। अब ये एक कैटेगरी हमने देखी। दूसरी कैटेगरी देखते हैं, कई भक्त होते हैं जो निरंतर निरंतर उनके जीवन में कोई ना कोई संकट विपदा आते रहती है। जैसे हम भागवत से वृत्रासुर का उदाहरण देखते हैं, चित्रकेतु महाराज है। चित्रकेतु महाराज का से छोटी सी गलती हो गई। पहले का जीवन राजा थे, पुत्र नहीं था, वो दिन थोड़े उनके कठिन जाते हैं। बाद में बेटा होता है, बेटे की मृत्यु होती है, नारद मुनि आके उनको समझाते हैं, समझ जाते हैं, साधना करते हैं, भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। भगवान के दर्शन के पश्चात फिर वो गंधर्व लोक के राजा होते हैं। गंधर्व लोक के राजा होने के पश्चात उनको क्या लगता है, अरे मैंने तो भगवान को देखा है, मैं तो निरंतर साधना में लगा हूं। तो ये होने की वजह से क्या होता है, उनके मन में कहीं ऐसी भावना आ जाती है कि मुझे अधिकार बनता है किसी को भी फीडबैक देने का। कोई भी भक्त हो तो वो किसको फीडबैक देते हैं? वो भगवान शंकर को फीडबैक देते हैं कि आप ये जो कर रहे हैं ना, ये गलत है। सोचिए कि एक ऐसा भक्त है जो इतना प्रगतिशील है, वहां पर जाने के पश्चात, उस स्तर पर जाने के पश्चात जिसने भगवान का साक्षात दर्शन किया है, एक गलती की वजह से उन्हें राक्षस का शरीर मिलता है। कहां पर जाके? जब भगवान का दर्शन हो चुका है, उस स्थिति में भी छोटी सी गलती है, उस गलती को माफ नहीं किया गया। भगवान शंकर भी भक्त है। एक भक्त के प्रति उन्होंने जो भी अपराध किया, उसके लिए उन्हें क्या मिला? एक ऐसी योनि जो राक्षस की योनि है। और उस योनि में क्या हुआ, सब लोग उनका गुणगान कर रहे थे? नहीं, सब लोग देवी देवता से लेके ऋषि मुनि से लेके सारे उन्हें कह रहे थे कि ये मर जाना चाहिए, ये किसी काम का नहीं है। सोचिए अगर हमको सब लोग ऐसा कहे कि तू कुछ काम का नहीं है, तू मर जा, कितने दिन जीने की इच्छा हो। लेकिन वृत्रासुर एक नहीं कई साल, जब तक इंद्र का वध नहीं होता, ये सारी चीजों को सहन करते हैं। दूसरा उदाहरण हम देखते गजेंद्र। गजेंद्र की लाइफ में भी पहले जब वो हाथी होते, उनका पहला जीवन बहुत आनंद पूर्वक चलता है। फिर एक दिन अचानक क्या होता है, वो मगरमच्छ उन्हें पकड़ लेता है। और जब मगरमच्छ पकड़ता है तो फिर वहां से उनके एक्चुअल जीवन की शुरुआत होती है। और तब इतने साल, 100 साल, देवी देवताओं के 100 साल उनका जो युद्ध चलता है, जिसमें उनको इतनी पीड़ा होती है। तो ये दो प्रसंग से हमको क्या सीखना है, समझना ये है कि अगर हमें विकट परिस्थिति आज हमारे जीवन में है, तो उसका एक ही मतलब है कि उसमें कहीं ना कहीं पूर्व इतिहास जरूर है। वृत्रासुर का पूर्व इतिहास है, यहां पर गजेंद्र का भी पूर्व इतिहास है, जब वो राजा थे इंद्रदुम्न महाराज, और अगस्त्य ऋषि के प्रति वो सही तरीके से बर्ताव नहीं करते, उसके कारण उनको यहां पर फिर हाथी का शरीर लेना पड़ता है। तो भक्ति के जीवन में, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में यह बात बताते हैं, कर्म बंधन की जो बात बताते हैं, तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर मैं किसी मुश्किल में हूं तो इसका पूर्व इतिहास जरूर कहीं ना कहीं है। हम जब ये चीज को भूल जाते हैं तो ये स्वाभाविक प्रश्न करते हैं कि आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब हम ये प्रश्न कर रहे हैं तो इसका एक ही मतलब है कि हम निरंतर शास्त्र का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे, वास्तविक स्थिति को हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे गजेंद्र के उदाहरण में, जब गजेंद्र पहले इंद्रदुम्न महाराज थे और जो मगरमच्छ था वो पहले एक देवता था, हु करके। अब जब ये स्थिति को आप देखिए कि गजेंद्र का पैर पूरी तरह से मगरमच्छ के मुंह में है, वो खींच रहा है,
वो उसको यहाँ पर खींच रहा है, वो उसको पानी से बाहर खींच रहा है, अंदर खींच रहा है बाहर खींच रहा है, ऐसा एक साल नहीं, दो साल नहीं, 100 साल चलता है। दूसरी ओर ये भी समझना चाहिए कि ये दोनों भक्त है, दोनों अभक्त है क्या? नहीं। एक को देवल ऋषि ने शाप दिया, देव देवता मतलब वो भगवान विष्णु को जानते हैं, समझते हैं, उनके नियमों को समझते हैं, भक्त ही है। दूसरी ओर इंद्रदुम्न महाराज भी भक्त थे, प्रगतिशील भक्त थे, लेकिन इतनी प्रगतिशील भक्त को एक हाथी की योनि में डालना, हाथी के योनि में डालने के पश्चात एक मगरमच्छ द्वारा 100 साल तक उनका युद्ध चलता है, निरंतर वो उनका जो पैर है मगरमच्छ के जबड़े में है, तो कितनी वेदना 100 साल तक उन्होंने सही है। एक को क्या है, एक को वेदना सहन करनी है, दूसरे को क्या है, वेदना देना है। तो जैसे पहले पार्ट में हमने जो मुद्दा लिया था इंटरडिपेंडेंस का, तो यहां पर दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों को मिलाकर भगवान क्या करना चाहते हैं, इनके जो कार्मिक रिएक्शन है इनको समाप्त करना है। एक का काम क्या है, दर्द देना, दूसरे का काम क्या है, दर्द को सहन करना। गजेंद्र के हाथ में जब तक था उसने पूरी शक्ति लगा दी, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर कर लिया, उसके घर वाले सारे देख रहे हैं कि इसको बचाना है बचाना है, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। इसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी बचाने में, 100 साल के बाद वो समझ गया कि अभी यहां से निकलना नामुमकिन है, बुद्धि का काम खत्म हो गया। और उस दयनीय अवस्था में वो भगवान विष्णु को एक पुष्प अर्पण करते हैं और तत्समय भगवान विष्णु उनके सामने आते हैं। तो ये जो पुष्प अर्पण करना, एक हाथी को क्या समझ है कि पुष्प अर्पण करने चाहिए? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जब वे इंद्रदुम्न राजा थे तो सहस्त्र दल का कमल रोज वो भगवान विष्णु को अपनी आराधना में चढ़ाते थे, तो वो संस्कार उसके मन पर था। और जब वो इतनी पीड़ा में जब उसने भगवान को स्मरण किया तो वो पूरी जो उसकी स्मृति थी वापस आ गई, और उसने सामने देखा कि एक सहस्त्र दल का कमल है, तो तुरंत वो कमल लेता है और भगवान विष्णु को, जैसे पहले राजा के शरीर में वो भगवान को चढ़ाता था वैसे जब वो भगवान को अर्पित करता है, तो तत्समय भगवान कृष्ण भगवान विष्णु उनके सामने आते हैं। तो यहाँ कहने का मुद्दा क्या है कि एक जब विकट परिस्थिति आती है तो उसका पूर्व इतिहास कहीं ना कहीं जरूर है। रामायण में जब माता सीता लक्ष्मण जी को कटु वचन बोलती है तो उन्हें कई सालों तक वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहना पड़ता है, गलती है, सजा भी है। लक्ष्मण जी भरत को कटु वचन कहते हैं, उन्हें भी सजा दी जाती है। इंद्र जब गलती करता है अहल्या के साथ तब उसको सहस्त्राक्ष बनाया जाता है, सहस्त्र आंखें उसको दी जाती है एक दंड के रूप में। देवी देवता गलती करते हैं उनको दंड मिलता है, भगवान के पार्षद गलती करते हैं उनको दंड मिलता है, तो फिर हम अगर गलती किए हैं तभी तो दंड मिलता होगा ना। तो आज हमारे जीवन में अगर कहीं पर भी एक विकट परिस्थिति आई है तो इसका मतलब क्या है, इसका कहीं ना कहीं पूर्व इतिहास है। जैसे वृंदावन प्रसाद प्रभु, एक बहुत परसों के भागवतम में एक सुंदर स्टोरी होता है, एक माताजी थी उनके पेट में बहुत दर्द होता था कई सालों से, सारी ट्रीटमेंट कर लिए, एक्सरे सोनोग्राफी जो जो करना है सब कर लिया, लेकिन कोई उन्हें फर्क नहीं हो रहा था। तो फिर एक कोई साइकोलॉजिस्ट है तो उनके पास उनको लेकर गए, तो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन मतलब धीरे धीरे करके उसे पिछले जन्म में लेके जाना, तो उसको हिप्नोटाइज करके फिर वो पूर्व जन्म में लेकर जाते हैं। उसको पूर्व जन्म में लेके गए वो माताजी को, तो पूर्व जन्म में उन्होंने, वो बोलता है जो व्यक्ति अपनी निद्रा की अवस्था में, तो वो बोलता है, तो वो माताजी बोल रही थी, तो फिर वो उनके पिछले जन्म के मृत्यु के समय की बात बता रही, उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो उनकी मृत्यु उनके ससुराल के लोगों ने उनको पेट में लात मार मार कर मार मार कर उनकी हत्या कर दी थी। इसलिए वो पेट में क्यों दुख रहा था, क्योंकि मन में वो संस्कार रह गए थे कि मेरी मृत्यु लात मार के पेट में मार मार के मेरी मृत्यु। अब पेट क्यों दुख रहा है तब की बात है। तो फिर उनको एक ने और पिछले जन्म में लेकर गए, तो उसके पिछले जन्म में उन्होंने देखा कि उन्होंने इन लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव किया था जो उनके सास ससुर बनकर आए थे। ये अभी मैं आपको
पुराने बाबा आदम के जमाने की स्टोरी नहीं बता, ये 21वीं सेंचुरी की मैं आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसको कहते हैं, बहुत पॉपुलर हो रहा है ये। कोई भी फिजिकल क्राइसिस, मॉनेटरी क्राइसिस जब हो जाता है तो इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका कहने का तात्पर्य मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जब कोई भी स्थिति खराब अपने जीवन में आती है तो समझना क्या है कि हमने भी कहीं ना कहीं गलती की है जिसे आज मुझे सामना करना है। जो कोई चीज़ें मेरे हाथ में है, मेरे कैपेसिटी में है, उतना मैं कर सकता हूँ, कर लीजिए। लेकिन जहाँ पर मेरी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तब मुझे और दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ भागवतम का ही आश्रय लेना है। भगवान गीता में कहते हैं वेदाम समतीतानि वर्तमानानि च, भगवान सब जानते हैं। ये प्रश्न ही नहीं पूछना, ये प्रश्न ही गलत है कि भगवान क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न ही गलत है। भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान जैसे कोई टीचर होता है, एक टीचर एक विद्यार्थी को एक ही प्रश्न बार बार क्यों देता है, क्योंकि वो प्रश्न का उत्तर वो विद्यार्थी गलत लिखता है। तो वो शिक्षक वही प्रश्न कब तक पूछेगा उस बच्चे को, अगर वो 1+1 = 4 कह रहा है तो जब तक वो 1+1 = 2 नहीं कहेगा वही प्रश्न टीचर देगा। वैसे ही अगर जीवन में बार बार संकट आ रहे हैं, विपदा आ रही है, कोई गलत कार्य हो रहे हैं, तो क्या समझना चाहिए कि हम हमारा लेसन ठीक से नहीं सीख रहे हैं। इसलिए बार बार वही आ रहा है। क्यों? क्योंकि सीख नहीं रहे। और कब सीखेंगे? जब हम नित्य नियम से भागवतम पढ़ेंगे। इसलिए ये चैप्टर का टाइटल क्या दिया है, भागवतम इज आंसर टू ऑल क्वेश्चंस। मेरे जीवन में जितनी सारी समस्या है वो अगर मैं भागवत नित्य नियम से पढ़ूंगा तो जरूर उसमें सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिलता है। कई बार भक्त इतने परेशान हो जाते हैं। अभी हम अगर पांडवों का जीवन देखेंगे, पांडवों को 13 साल वनवास था, 13 साल घर ही नहीं है। जो राजमहल में रहते हैं उनको 13 साल जंगल में रहना है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमते रहो। और उनके साथ उनकी पत्नी है जो कि इस सृष्टि की तब की सबसे सुंदर व्यक्ति थी। सोचिए, जंगल में आसुर रहते हैं, राक्षस रहते हैं, कई सारे गलत धारणाओं के लोग रहते, एक स्त्री जो इतनी सुंदर है उसको साथ में लेकर 13 साल का वनवास करना क्या परिश्रम होगा। और ये कौन लोग हैं जिनके साथ भगवान रहते थे, भगवान को देखा नहीं है, भगवान इनके साथ रहते थे। अगर इन लोगों की इतनी परीक्षा ली जाती है, जबकि इनके पूर्व इतिहास में ऐसा कहीं नहीं है कि इनके कई पाप कर्म है, नहीं, इनका जन्म ही दिव्य है, लेकिन फिर भी भगवान क्या दिखाना चाहते हैं कि भक्त मतलब हमारे जीवन में संकट आएंगे ही, तो इन संकटों को हमें किस तरह से जूझना है। तो हमें यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि हमारा ध्येय किसके द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, जो हमारे गुरुजन है, हमारे जो शास्त्र है, इनके द्वारा निर्धारित अगर रास्ते पर हम चलेंगे तो निश्चित ही हम इस जन्म में भगवत धाम वापस पहुँच सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में जब संकट आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि कहीं मेरे कर्म दूषित है। तो योगी जन क्या करते हैं, वो कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं, लेकिन भक्त वैसे नहीं करता। अगर किसी व्यक्ति ने 1 दर्जन आम लाए, उसमें से 2 आम सड़े हैं, तो 12 के 12 आम भगवान को चढ़ाएगा क्या? नहीं, वो 2 खराब आम निकाल लेगा, खुद के पास रखेगा और बाकी के जो 10 आम है भगवान को भोग। तो भक्त वैसा होता है जो खराब कर्म है वो अपने पास रख लेता है कि नहीं भगवान, इसको मैं सहन करूंगा। जैसे भट्टजी महाराज बहुत सुंदरता से कह रहे थे, तप्तेनुकंपा का मतलब क्या है कि ये जो खराब आम है भगवान मैं आपको नहीं दूंगा, इसको मैं सहन करूंगा। और जब ये क्यों मैं सहन करूंगा, क्योंकि ये गलती मैंने की है, इससे मुझे सीखना है। और जब मैं ये सीख जाऊंगा और इस अवस्था में भी जब मैं निरंतर भक्ति में लगा रहूंगा, तब क्या होता है, दाय भाग, तब मैं भगवत धाम जाने का अधिकारी बनता हूं, अन्यथा नहीं। यहां पर जो प्रभुपाद तत्व में बार बार लिख रहे हैं, भगवत धाम जाना है, सही है, जाना है, लेकिन बीच में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ समझना है। जब तक ये सारी चीजें हम ठीक से नहीं समझेंगे तब तक क्या होगा, फिर हम सिर्फ भगवान को दोष देंगे, सामने वाला जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है उसको ही दोष देंगे, उसको ही दोष बुद्धि से देखेंगे। क्यों? क्योंकि सारी चीज को हम
ठीक तरह से नहीं समझे हैं। तो हम हर स्थिति में क्या भगवान से मांगते हैं, एक तो मुझे जो चाहिए वो वापस दे दो, और दूसरी बात क्या है, सामने वाले को दंड करो। दंड करना हमारा काम नहीं है, दंड भगवान उसको देंगे ही देंगे। जब गोपीनाथ पट्टनायक जो है चैतन्य चरितामृत में, जो राजा की संपत्ति को रख लेता है, उसका गलत इस्तेमाल करता है, महाप्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं नहीं ये तो मेरा भक्त है इसको छोड़ दो। राजा का बेटा उसको चांगे पे लटका देता है, महाप्रभु कहते मैं क्या करूं, राजा है, सही दंड दिया है, वो उसको भोगना चाहिए। राजा का पैसा अगर गलत इस्तेमाल करेगा तो दंड मिलेगा ही ना। महाप्रभु ये नहीं कहते भक्त है सोला माला करता है चार नियम करता है, नहीं, दंड गलत काम है तो दंड मिलना ही चाहिए। ऐसा दो तीन बार जब भक्त महाप्रभु के पास जाते कि नहीं आप राजा को बताइए, तब फिर क्या पूछते, दंड कम करना है कि नहीं, ये नहीं पूछते, वो पूछते कि क्या कर रहा है गोपीनाथ पट्टनायक इस टाइम। तब भक्त कहते कि महाप्रभु जेल में रहकर गोपीनाथ पट्टनायक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तब फिर राजा जब ये पूछताछ करता है कि क्या हुआ, फिर गोपीनाथ पट्टनायक को छोड़ा जाता है। तो सुदर्शन प्रभु, जब मेरा हेल्थ का क्राइसिस था, तो वह एक सुंदर पॉइंट कहे थे, मुझे आज भी याद है। वो कहते हैं कि बीमारी आने के लिए, जाने के लिए ही आती है, वो रुकने के लिए उसको हम रोक लेते हैं। वो आई क्यों है, क्योंकि कुछ सीख के चली जाएगी वो, हम क्या करते, रोक लेते, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है, उसको पकड़ के मत रखो, उसमें जो सीखना है वो सीखो, वो अपने आप चली जाएगी। और शिक्षा स्टम्बर ने मुझे एक बहुत सुंदर बात कही थी जब मेरा ट्रीटमेंट, वो कह रहे थे कि ये तुम्हारी बीमारी तो ऐसे भी ठीक होने वाली है, अगर तुम इसके बारे में ही चिंतन करते रह जाओगे, और जब बीमारी ठीक हो जाएगी और जब स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, तब तुमको ये नहीं समझेगा कि अब क्या करना है आगे, तुम तब तक यही सोचोगे कि नहीं बस बीमारी ठीक होना है, सब कुछ है, बीमारी ठीक, तुम भक्ति कभी कर ही नहीं पाओगे। तो ये जब बीमारी है तब भी क्या करना है, भक्ति ही अच्छी तरह से करना है। इसके लिए भक्ति के लिए शरीर की जरूरत नहीं है, अच्छा शरीर, बुरा शरीर, खराब शरीर, शरीर कैसा भी हो, मन के स्तर पर भी भक्ति की जाती है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम, मन के स्तर पर भी दंडवत स्वीकार होता है, मन के स्तर पर अर्पण किया गया पुष्प भी स्वीकार होता है। इसके लिए परिस्थिति और भक्ति, पांडवों ने उस परिस्थिति में भगवान को नहीं दोष दिया, उस परिस्थिति में भी निरंतर निरंतर रूप से वे भगवान की भक्ति में लगे थे। और इस तरह से जब भगवान के लिए ही सारे कार्य होते, तो यहाँ पर इम्पिटस कहा था प्रभुपाद ने, वो जब इम्पिटस है कार्य करने की जो प्रेरणा है वो खुद की बजाय भगवान में लग जाती है, तो ये जो भौतिक बंधन है वो कट जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है, और हम भगवत धाम पहुँच जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।